Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. That is Sanas Life, our channel name. So आप लोगों को पता ही है कोकण नाइट में अपनी क्या हालत हो गई, अपना टॉप बॉक्स टूट गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हो नई एक्सेसरी हमने माइक के ऊपर इंस्टॉल कर दी है. सो डायरेक्टली जंपिंग ऑन दिस पार्ट, सो लेट्स फर्स्ट चेक इट आउट अनबॉक्सिंग एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टू एक्सेसरीज. सो फ्रेंड्स, अपना नया पार्सल आ गया है फ्रॉम हाइपर राइडर. सो विद इन 2 दिन में ये आ गया फ्रॉम बैंगलोर. सो चलो लेट्स अनबॉक्स इट. तो ये कुछ ऐसा है अपना न्यू टॉप रैक फ्रॉम हाइपर. होप दिस थिंग सर्वाइव विद अवर 55 लीटर टॉप बॉक्स. सो ये है अपना टॉप रैक, कम्प्लीटली प्लास्टिक में रैप किया हुआ है. बहुत हेवी है बॉस, इट्स अराउंड मोर देन 3 kgs एंड एज पर कंपनी इट कैन टेक मोर देन 45 kgs ऑफ वेट. 45 kg नहीं यार, अपना मैक्स टू मैक्स 10 से 11 kilo ले लिए बस हो गया. सो देयर इज स्पेसिफिक रीजन आई चूज दिस वन. आप देखने जाओगे तो लुक में इतना खास नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो उसके अंदर रैक प्लेट नहीं आती है. यस, दिस इज द ओल्ड वर्जन, दिस इज द टाइप 1 टॉप रैक फ्रॉम हाइपर राइड फॉर 390 एडवेंचर. बट इसकी मजबूती देखिए बॉस, एक तो ये इतना एरिया अपने पास अभी भी था, बट ये सेकंड नीचे वाला जो सपोर्ट है ये देख लीजिए, आपको साइड से दिखा देता हूँ. ये जो नीचे से सपोर्ट यहाँ तक आया हुआ है, जो आगे वाले स्क्रू में लगेगा ऑफ ग्रैब रील, उससे इसको और मजबूती आ जाएगी. पहले वाला तो बस ये ऊपर का ही था, बिकॉज ऑफ द पूरा लोड यहाँ पे आ गया और यहाँ से स्क्रू भी अपने टूट गए, बट ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा. ऑल्सो अपन को इसके साथ कोई स्क्रू नहीं आए हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अपने जो स्टॉक के स्क्रू है वो यूज करने पड़ेंगे. सो बिफोर इंस्टॉलिंग डायरेक्टली द टॉप प्लेट विच वी आर रिसीव फ्रॉम द टॉप बॉक्स, अपने पास ये एल्यूमिनियम की वेनम की टॉप रैक है जो हम लोग पहले यूज करते थे बाइक के ऊपर. सो आई विल ट्राई टू इंस्टॉल इट दिस वन, ये इसके ऊपर लगा दूंगा विद दिस माउंट्स. ये हम लोग को मिले थे विद टॉप बॉक्स. इस प्लेट की R&D मेरे को कुछ भी करके चाहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क बाय इंस्टॉलिंग ओनली दिस प्लेट ऑन दिस टॉप रैक. ये एक बार अपनी एल्यूमिनियम की मजबूत वाली प्लेट लग जाएगी टॉप रैक पे, तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा अपना टॉप रैक. सो अपनी एल्यूमिनियम प्लेट अपने टॉप रैक के ऊपर बैठ चुकी है, ये 2 यूज किए मैंने. ऊपर की तरफ से कुछ ऐसी लग रही है अपनी एल्यूमिनियम प्लेट. अब इसके ऊपर लगा देते अपनी टॉप बॉक्स वाली प्लेट. ये एंगल, ये और एंगल परफेक्टली मैच कर दूंगा और ये इतना एरिया बाहर आ जाएगा फॉर लॉकिंग और टॉप बॉक्स. सो फ्रेंड्स, अपनी टॉप बॉक्स की प्लेट भी यहाँ पे लग गई है, आप देख सकते हो 1 और 2 यहाँ पे स्क्रू माउंट किए हैं और उसके बाद एक यहाँ पे माउंट किया है और दूसरा स्क्रू यहाँ पे माउंट किया है, बिकॉज ये सेम एंगल में यहाँ पे देख लीजिए कोई भी होल मैच नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे मैच हो गया था, सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. नीचे की तरफ से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए. सो अपनी एल्यूमिनियम प्लेट यहाँ पे खत्म हो जाती है और अपनी टॉप बॉक्स की प्लेट इतनी बाहर आ जाती है. नाउ लेट्स गो ऑन बाइक एंड इंस्टॉल दिस टॉप रैक विद आवर टॉप बॉक्स. सो ये रही अपनी मैवरिक फुल ऑन चकाचक. लास्ट वीक ही अपनी 5th सर्विस हो गई अपनी बाइक की. सो नाउ वी विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. सो ये जो ग्रैब रेल है वो दोनों भी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज अपना जो नया टॉप रैक है ये वाला, इसके अंदर इनबिल्ड है लोग ने ग्रैब रेल दिए हुए हैं. जैसे उन्होंने बता दिया दिस वन इज द ओल्ड वन, न्यू वाला जो आता है उनका तो उसका यहाँ पे प्लेट आती है और उसको सपोर्ट इस यहाँ से छोटा सा एक रॉड यहाँ पे चला जाता है, एकदम पतला सा रॉड है. आई डोंट थिंक दैट वेट ऑफ अवर 55 लीटर टॉप बॉक्स, दैट्स व्हाई मैंने ये ओल्ड वाला चूज किया, वो मजबूत भी है. तो अपने दोनों भी ग्रैब रिलीव हो गए हैं. इसके अंदर अभी हम लोग को स्क्रू ओल्ड यूज करने हैं, वो भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे जो वेनॉम के सैडल स्टे है वो मैंने ट्राई किया कि जो कंपेटेबल नहीं हो रहे हैं विद दिस न्यू टॉप रैक. सो इट्स नो मोर यूज फॉर मी. इफ यू गाइज वॉन्ट आई विल सेल इट ऑफ. कैसे सैडल से उस वीडियो आपको देखना है तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आएगी. द इंस्टॉलेशन पार्ट यू गाइज कैन चेक इट आउट. द सेम आई हैव यूज इन माई उत्तराखंड राइड जो थी मोर देन 4,500 किलोमीटर, परफेक्ट कंडीशन में है, जस्ट 5 months ओल्ड है. इफ यू गाइज इंटरेस्टेड डू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो नाउ आई हैव टू इंस्टॉल द न्यू हाइपर राइडर सैडल स्टे ओनली. सो इसके अंदर अभी स्क्रू देखते हैं ये स्टॉक स्क्रू लगते हैं या अदरवाइज अपने पास अपने ओल्ड वाले टॉप रैक के स्क्रूज है वो ट्राई करेंगे. अपना न्यू टॉप रैक, इसका एंगल ओके यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है, बट वी हैवन्ट गॉट एनी माउंट्स. चेक करना पड़ेगा कैसे बैठता है. चलो इसको सेटअप करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ. सो फ्रेंड्स, अपना टॉप रैक बैठ गया है. सो इसकी हाइट कंपेरिजन में देख लीजिए, ये बाइक के एंगल में इतना ऊपर आ गया है. सो इसको माउंट करने के लिए इसने बता दिया कि स्क्रूज वहाँ पे दिए नहीं थे. सो आई हैव यूज द सेम स्क्रू विच वॉज प्रीवियसली आई वॉज यूजिंग टॉप रैक. सो वो स्क्रू यूज कर दिए विथ दैट माउंट टू, बिकॉज इसके अंदर माउंट ही नहीं दिए थे. तो ये जो प्लेट है वो यहाँ पे नीचे टच हो रही थी, अब देख सकते हो मार्क. सो उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये 2 माउंट्स, सेम माउंट्स यहाँ पे भी यूज़ किए.
बिकॉज यहाँ पे भी माउंट दिए नहीं थे. सो आई हैव इन्फॉर्म द हाइपर राइडर टीम दैट आई हैवंट रिसीव एनी स्क्रूज एंड माउंट्स विद दिस टॉप रैक. लेट्स सी उसका रिस्पॉन्स क्या आता है. सो अपना नया सैडल स्टे भी फ्रॉम हाइपर राइडर में आने वाला है. सो मे बी उसके साथ हम लोग को जो माउंट मिल जाएंगे. सो ये अपना स्टॉक वाला टॉप रैक, फिर ये अपनी एल्यूमिनियम की प्लेट और ये टॉप बॉक्स की प्लेट. नाउ लेट्स माउंट टॉप बॉक्स. सो लेट्स माउंट अवर टॉप बॉक्स. लॉक में परफेक्टली गए, लॉक हो गया और ये अपना टॉप बॉक्स का प्लेट. ये पूरी बाइक हिल रही है बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. टॉप रैक अपना परफेक्टली माउंट हो गया है. सो कुछ ऐसा दिख रहा है अपना टॉप बॉक्स विद न्यू टॉप रैक. 3 days later. So now we will start the installation of our new saddle stay from Hyper Rider. So इस वीडियो के पहले तो आपने देख लिया कि हम लोग ने अपने वाले जो पुराने माउंट्स थे वो यूज़ किए, वो अभी रिमूव कर देंगे बिकॉज हमारे पास आ गए हाइपर राइडर के माउंट जो प्लास्टिक के और ये मेटल के. सो वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ. ऑल्सो ये भी दो माउंट अपने पुराने वाले हैं बट ये भी मेटल है और ये लोग ने विद टॉप रैक हम लोग को माउंट दिए नहीं है. ओनली ये दो सैडल स्टे के जो माउंट्स हैं ये प्लास्टिक के वही दिए हैं. सो ये कुछ ऐसे आ जाता है. ये देख लीजिए, ये एक पार्ट अलग है, एक पार्ट अलग है. सो मैंने माउंट करके रख दिया है. तो सपोर्ट कहाँ पे जाएगा आपको दिखा देता हूँ. सो एक जो सपोर्ट है वो यहाँ से ले लेगा, वो ये स्क्रू हमको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ से लेना पड़ेगा. सो उसके बाद अपना सैडल स्टे यहाँ पे लग जाएगा. सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. सो सबसे पहले सैडल स्टे को ये जो यहाँ पे माउंट है जो आप देख सकते हो आगे की तरफ है, दैट मीन ये लेफ्ट हैंड साइड का है. सो इसको यहाँ पे माउंट करके रख देता हूँ ताकि सपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद ये दोनों भी साइड के माउंट्स यहाँ पे लगा देंगे हम. सो ये कुछ ऐसे माउंट दिए हैं प्लास्टिक के, आई थिंक ये यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज ये यहाँ पे रखने के बाद अपना सैडल से यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है बिकॉज इसका लेवल देख लीजिए, ये परफेक्टली इस एंगल में आ रहा है. बट जब मैं अपने मेटल वाले यूज़ कर रहा हूँ जो ये इतने हैं, उसकी हाइट बहुत ऊपर तक आ रही है. सो अपना सैडल से साइड से ऑड इवन लगेगा, एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ दिस प्लास्टिक वन ओनली विच दे हैव प्रोवाइडेड. सो ये यहाँ पे चला जाएगा. उसके बाद ये इतना बड़ा स्क्रू दिया उन्होंने विथ वाइजर, वो लगा देंगे. सो ये लगने के बाद ये अपना सैडल स्टे वो यहाँ पे ये देख लीजिए ऐसे बैठ जाएगा, फिर अपना टॉप रैक उसके ऊपर बैठ जाएगा, फिर अपना स्क्रू लग जाएगा. सो ये वाला स्क्रू था जो यहाँ से बाहर आ गया है फुटपैड के सपोर्ट से और अभी यहाँ पे लगेगा ये इतना बड़ा स्क्रू बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो माउंट है वो भी इतना बड़ा दिया है वो लोग ने सपोर्ट के लिए. ये ऐसे यहाँ पे चला गया. देखो दिस इज़ द बेनिफिट, आप फ्रेम के ऊपर ये दोनों भी एंगल ये भी यहाँ पे माउंट करके रख दीजिए. सो ये इजीली आपका अंदर चला जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी आपको. सो यहाँ पे इसके अंदर स्क्रू डाल दिया हमने और ये इसको एग्जैक्टली इस होल में चला गया. अब इसको जस्ट टाइट करना है. तो भी आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड का भी स्क्रू अपना लग गया है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड का भी. तो अपने दोनों भी फ्रंट साइड के माउंट कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस पार्ट. सो ये जो पार्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा ऐसे. सो ये इतना छोटा वाला स्क्रू था यहाँ पे और अभी जिसके अंदर लगेगा ये इतना बड़ा स्क्रू विद दिस मेटल वॉशर. इसको यहाँ पे नीचे डाल दिया मैंने ये ऐसे और देन ये चीज़ यहाँ पे अंदर लग गई. यहाँ पे टाइट हो गया देख सकते हो और सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग ने फिट कर दिया है. सो ये पीछे से का सपोर्ट एकदम ही परफेक्ट टाइट हो गया है. अभी नाउ लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट नहीं किया है, ये भी इसको टाइट कर दूंगा. सो भी आप देख सकते हो दोनों भी चीज़ मैंने रिमूव कर दी है. विदाउट दिस आई हैव इंस्टॉल दिस टू बिकॉज ऑन भी लग रहा था, स्क्रू बाहर की तरफ था. एक तकलीफ है बिकॉज आई हैव इंस्टॉल द हगर और ये चीज़ देख लीजिए क्या हो गया था ड्यूरिंग माई उत्तराखंड राइड. सो अपना जेडलिंग सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि ये एरिया यहाँ पे लग रहा है जब भी मैं लगेज और पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ. सो अगर ये चीज़ रखता था तो ये इतने बड़े स्क्रू यहाँ पे इसको इम्पैक्ट करके तोड़ देते थे. दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव दिस. सो फ्रेंड्स अपना कम्प्लीटली सैडल स्टे विद टॉप रैक लग गया है. लेट मी शो यू. यहाँ पे मैंने वाइजर यूज़ किया है बेटर, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाइजर यूज़ किया है, यहाँ पे वाइजर डाल दिया है और यहाँ पे वाइजर डाले क्योंकि जब मैं इसको टाइट कर रहा था तो धीरे धीरे उसके ऊपर का पेंट रिमूव हो रहा था. अपने पास वाइजर है तो वाई नॉट यूज़ इट. कम्प्लीटली टाइट कर दिया है ये यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल परफेक्टली टाइट हो गया है. फिर अपना ये एंगल उस तरफ का और सेम गोज टू देयर. फिर जोर जोर से बाइक आपको हिला के दिखाता हूँ. फिर देख लीजिए ज़रा सा भी प्ले नहीं उसके अंदर, इतना मजबूत कर दिया है. एंड मेन बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग दिस सैडल स्टे इज दीज आर कम्पेटेबल विथ एनी पैनियर्स. रॉयल इनफील्ड करेंगे तो उसके अंदर तो आपको पता है टॉप पैनर के अंदर से लॉक रहता है और लूज़ करके टाइट करने का, वो बाय डिफ़ॉल्ट
प्लग एंड प्ले है इसके ऊपर, एंड इन केस यू हैव डिफरेंट पैनियर सो उसके साथ जो माउंट आते हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे यहाँ पे, और लॉक वाला यहाँ पे। सो दिस वन इज नॉट मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, दिस सैडल से मेड अप ऑफ मेटल। सो अभी अपना हो गया है कम्प्लीटली बाइक फॉर द न्यू सेटअप। पीछे का एंगल ये देख लीजिए, तो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। डेली हम लोगों को तो पता है हमको कैसे तकलीफ हो गई थी, उनको ओपन राइट टॉप बॉक्स टूट गया था, वो भी दो बार ये प्रॉब्लम फेस हुई। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये मजबूत नॉट बेस्ट लुकिंग आई विल से मजबूत वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इंस्टॉलेशन अपना हो गया है, लेट्स सी इन फ्यूचर राइड में पता चलेगा। आई एम यूजिंग द टॉप बॉक्स ऑन अवर राइड, ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज लोकल मार्केटिंग जो डीमार्ट और ये छोटी मोटी राइड्स अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की, वो तो मैंने भी टॉप बॉक्स की है विथ नॉट फुल्ली लोडेड टॉप बॉक्स, जो अपना जो रेपा साइड को रहता है वो इस सेटअप में की है, एंड आई एम हैप्पी विद इट। कोई भी रेटलिंग साउंड नहीं है, कुछ इश्यू नहीं है अभी तक, तो जस्ट कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, होप इट एज स्टे एज इट इज। सो आई विल क्लोज दिस व्लॉग हियर। इफ एनी ऑफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या।